हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल चिकन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आधा केजी चिकन बना रही हूँ। तो यहाँ सरसों तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची डाल दूँगी। और इनकी कड़कने के बाद हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल दूँगी। फिर इनके कड़कने के बाद प्याज को मैं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के साथ ही आधी चम्मच नमक डाल दूंगी और टमाटर भुनने के बाद फ्राई हुए चिकन डाल दूंगी। चिकन में अलग से ही फ्राई कर ली थी। अब इसमें आधी चम्मच सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची और चिकन मसाला डाल दूंगी। और इन्हें लो फ्लेम पे भूनने के बाद मैं नमक डाल दूंगी। ये ध्यान रखना है हमें, आधी चम्मच हमने टमाटर के वक्त भी डाला था उस हिसाब से। फिर हम इन्हें कुछ देर ढक ढक के पकाएंगे 5 से 7। वो अच्छी तरह से भूनने के बाद ग्रेवी के लिए पानी डाल के गरम मसाला और कस्तूरी मेथी और धनिया पत्ता डाल के 10 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। तो अब तैयार है चिकन करी 10 मिनट बाद। कैसा लगा वीडियो? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।